92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम श्री साई नाथाय नमः। धनवान होने के लिए एक एक कण जोड़ना पड़ता है और गुणवान होने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। तो धनवान होना है या गुणवान होना है, सदुपयोग होना है या पैसे जोड़ने हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मैं कामिनी खन्ना तो ये चाहती हूँ कि सुबह में आप सबको ईश्वर की लौ लगे, आप अपने आप को साधो और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुद की उन्नति पर ध्यान दो। मैं कामिनी खन्ना तो ये चाहती हूँ कि आपकी ये सहर, आपका ये एकांत ईश्वरमय हो ताकि आपकी उन्नति हो। 24/11/2016 गुरुवार है आज। चंद्रमा अहोरात्र कन्या राशि में, एकादशी तिथि की वृद्धि हो गई अब और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सुबह 9:19 तक। अब जानिए आज के मुहूर्त। शुभ मुहूर्त है सुबह 6:52 से लेकर 8:16 तक। लाभ मुहूर्त है दोपहर 12:27 से लेकर 1:50 तक। अमृत मुहूर्त है 1:50 से लेकर 3:14 तक। और शुभ मुहूर्त है 4:37 से लेकर 6:01 तक। इस जीवन काल में कमाया हुआ धन आपके अगले जन्म में कभी काम नहीं आता, लेकिन अगर आपने कमाया है पुण्य इस जन्म में तो आपके जन्मों जन्म तक वो काम में आता है। तो चलिए आइए कमाते हैं पुण्य ईश्वर का नाम लेकर इस सुबह में, और कुछ जानते हैं अपने विषय में सहर कार्यक्रम में। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ इस दिन की, इस मंगल सुबह की, आपके नए जन्म की देती हूँ आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आपने सूर्य को प्रणाम किया, आपने माता पिता को प्रणाम किया, आपने धरती को प्रणाम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेष से लेकर कन्या राशि तक का भविष्य जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्रमा अहोरात्र कन्या में चले गए अब तो। कन्या में गुरु के साथ गुरु चांदनी योग बना दिया चंद्रमा ने, तो आपके लोन्स चुक जाएंगे, आपको अगर पैसे चाहिए तो वो मिल जाएंगे, आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और साथ में आपका विदेश जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए पंचम स्थान पर बच्चों के स्थान पर हो जाएगी युति गुरु चांदनी, बच्चे आपके कहना मानेंगे, बड़ा सुख देंगे आपको। अपनी पढ़ाई के विषय में जो उनकी चिंता थी वो दूर होगी, आपके अगर कोई चिंता हो को विद्या पढ़ाई के लिए तो वो दूर होगी और इसके साथ आपका दिमाग रहेगा कूल कूल। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अब चंद्रमा चतुर्थ में आकर आपकी माता से आपको बहुत सुख दिलवाते हैं और साथ में आपको अपने घर परिवार से सुख मिलता है। आपको अगर कोई वाहन खरीदना है तो आज के ये दो दिन जो है, आने वाले आज और कल, बहुत ही शुभ है, आप खरीद सकते हैं कोई भी वाहन। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए प्रवास के अति उत्तम दिन और साथ में सिबलिंग से आपको फुल सपोर्ट, पराक्रम बढ़ा रहेगा, काम बढ़ा रहेगा, आपको मजा आएगा काम करके। ये दो दिन आप उत्साह से काम करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए परिवार में छाएगी खुशी और आप अच्छा मीठा बोलेंगे, साथ में आपके परिवार का आपको फुल सपोर्ट रहेगा और आपके धन लाभ भी होने की पूरी संभावना है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए लग्न में गुरु चांदनी योग, आपका जो पूरा व्यक्तिमत्व है वो पायस रहेगा, आपकी मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जैसे कोई अगर कोई मॉडलिंग में है तो उसको इस दिन का फायदा उठा लेना चाहिए, आपके फोटोग्राफ्स वगैरह खींचना चाहते हैं तो ये भी दो दिन अच्छे हैं आपके लिए। दुनिया भरी पड़ी है अच्छे लोगों से और अगर आपको कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता तो आप खुद अच्छे हो जाइए। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस दिन की आपको देती हूँ बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए सुनते हैं तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा दिन है, आप विदेश से रिलेटेड कोई कारोबार करना चाहते हैं कर सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो भी अच्छा दिन है। हाँ,
आपके जीवन में जो उलाढाल हो रही गुरु के द्वादश आने से वो भी 5-7 महीने चलेगी। वृश्चिक राशि के लिए गुरु चांदी योग आपके लाभ में तो पैसे दे जाएंगे। गुरु महाराज आपको जो पैतृक संपत्ति से परेशानी हो रही थी वो भी दूर होगी, आपको मिलेगा लाभ पैतृक संपत्ति से और माइंड आपका कूल रहेगा। धनु राशि के लिए आपके कार्य अच्छे हो जाएंगे और साथ में आपको फायदा होगा काम से। आपके पिता इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, माता इसमें आपका सपोर्ट करेगी, तो और क्या चाहिए आपको। ये दिन आपका काम करने का दिन है। मकर राशि के लिए आपका चंद्रमा भाग्य में आकर आपको भाग्य से रिलेटेड अच्छे संदेश देता है। आपको कोई काम मिलने का अच्छा संदेश आएगा या वैसे ही ऐसा कोई संदेश आएगा जिससे आपको खुशी मिले। इसके अलावा भी आप अपने प्रवास पर आज निकल सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को भी साथ ले जा सकते हैं। कुंभ राशि के लिए गुरु चांदनी योग आपके अष्टम में, तो कोई पुरानी बीमारी का इलाज मिल जाएगा आपको। आपके परिवार वाले इसमें सपोर्ट करेंगे, आपके परिवार में खुशी भी छाएगी और आप इस दिन को डॉक्टर कोई अच्छा मिलता है तो अप्रोच कर सकते हैं। मीन राशि के लिए सन्मुख बैठा गुरु चंद्र के साथ योग करके आपके लिए एक अच्छा संदेश, स्पाउस अगर कोई जीवन में आना चाहता है क्योंकि आपके विवाह के योग चल रहे हैं तो आ सकता है। साथ में अगर आपको कोई शिकायत है तो आज आप कूल रहेंगे, आपकी वो शिकायत आपके स्पाउस से दूर हो जाएगी। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक अच्छा सा एस्ट्रोलॉजिकल टिप जिससे आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, उसको अपनाकर अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है जो खुशियों के लिए जो पल हमको चुनने चाहिए हर दिन में जो आपको खुश कर सकें वो आपको मिलते नहीं हैं। चुनी ऐसे पल जो आपको खुशियां देते हैं जैसे हंस चुगता है। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी समझदार एकदम अत्यंत भोले श्रोताओं के साथ इस दिन की आपको देती हूँ एकदम मंगल शुभकामना। हृदय से आपका बहुत मंगल हो, शुभकामना मेरी आपके साथ। आज जिस फल की चर्चा करने वाली हूँ मैं, वो फल बोल सकते हैं आप उसको सब्जी बोल सकते हैं, लेकिन वो दिखता तो फल जैसा ही है और उसका नाम है नींबू। उसको मराठी में लींबू बोलते हैं, कोई नींबू भी बोलते हैं। अब ये जो नींबू है बड़ी काम की चीज़ है। नींबू छोटा सा होता है, हरा या पीला हो जाता है पकने के बाद और अंदर से जूसी होता है, सफ़ेद होता है। तो चंद्रमा और गुरु और बुध का द्योतक हुआ, मतलब काफ़ी कुछ एनर्जेटिक चीज़ें इसके अंदर हैं। इससे त्वचा अच्छी होती है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो गुण बुध के, गुरु के और चंद्रमा के होते हैं, जैसे चंद्रमा की वजह से आपको चक्कर नहीं आते, वैसे चंद्रमा के इस द्योतक से भी अगर पीने से आपको चक्कर वगैरह नहीं आते। सुबह उठकर नियमित रूप से अगर नींबू पानी पीते हैं लोग तो दिन भर ताजगी बनी रहती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रोज पीने से अगर एर्थराइटस या जाड़े में या वात के रोगी होते हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनको नींबू नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको वजन घटाना है तो सुबह उठकर नींबू पानी पीने से बेहतर दूसरा कोई उपाय नहीं, ऐसा कहा जाता है। वैसे मैं आपको कई सारे उपाय बताऊंगी जिससे आपका वजन कम हो सकता है। तो कल मिलती हूँ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम क्या है सहर। तब तक के लिए मुझे यानी कामिनी खन्ना को दीजिए आज्ञा, धन्यवाद, नमस्कार और आशीर्वाद भी चाहिए आपका पल पल मुझे, ताकि ये मैं शो अच्छा करती रहूं, आपसे आशीर्वाद पाती रहूं और आपकी समस्याएं भी सुन सकूं, आपके प्रश्न भी सुन सकूं। आप मुझे अपना नंबर और समस्या शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर 92.7 बिग एफएम के शहर स्पेस और आपका नंबर इनबॉक्स करें। साईं बाबा प्रत्यक्षिक रूप से आपके साथ हो लेते हैं जब आप उन्हें याद करो। कई लोगों को घर में जहां बैठे हैं वहां भी अनुभूतियां हुई हैं साईं की, तो ओम साईं नाम करते हुए साईं की आरती करते हैं ताकि आपका ये दिन साईंमय हो जाए।